Good morning, ma'am. देशभक्त सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? आप बताइए। एक देशभक्त सबसे ज्यादा प्रेम अपने देश से करता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। देश के लिए न्याय, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि की व्यवस्था कौन करता है? आप बताइए। देश के लिए स्वास्थ्य और आदि की व्यवस्था सरकार करती है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। सरकार के विषय में आप क्या जानते हैं? आज हम लोग सरकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, सैनिकों को उनके सेवा के बदले वेतन कौन देता है? सैनिकों को उनकी सेवा के बदले वेतन कौन देता है? आप बताइए। हम सरकार। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। लेकिन सरकार क्या होती है, सरकार के विषय में बताइए। सरकार जो है कुछ चुने हुए व्यक्तियों का समूह होती है। सरकार क्या होती है? कुछ चुने हुए व्यक्तियों का समूह होती है जो एक निश्चित पद्धति से और निश्चित समय के लिए शासन का संचालन करती है। इसमें कुछ चुने हुए व्यक्ति होते हैं जिनको एक जो हमारे कानून में जो निर्मित होता है कि इस तरह से शासन करना है, उसी तरह से वो जो है पूरा शासन संचालन करते हैं। और उनका एक पर्टिकुलर टाइम भी डिसाइड होता है कि 5 साल या 6 साल के लिए वो कार्य करते हैं। ठीक है, सरकार किसका समूह होती है? मैं चुने हुए व्यक्तियों का समूह। बहुत अच्छा, सरकार क्या होता है? चुने हुए व्यक्तियों का समूह होती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रमुख हैं। कौन कौन है? राज्यपाल।
स्तर पर होता है। केंद्र स्तर पर शासन का संचालन जो लोग करते हैं कौन है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। केंद्र स्तर पर कौन है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो हम एक बार देखेंगे सरकार के स्तर कौन कौन से, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर। ठीक है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले दो जो है शासन के कार्यकर्ताओं के बारे में बताइए कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। कौन कौन होगा? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और शासन
संचालन करना। तो जब जो है लोग जो है खुद शासन संचालन, यहाँ पर जनता सीधे संचालन नहीं करती है शासन का, बल्कि वो जो है वोट द्वारा जो है कुछ अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता जनता की तरफ से सरकार से पूरी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करेगी, वो उसके चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करेंगे। ठीक है, सब आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, इसको उत्तर आता होगा बताइए। ठीक है, सरकार किसका समूह होती है? सरकार किन व्यक्तियों का समूह होती है? सरकार चुने हुए व्यक्तियों का समूह होती है। बहुत अच्छा, सरकार क्या होता है? चुने हुए व्यक्तियों का समूह होती है। सरकार के विरुद्ध जनता कहाँ जा सकती है? सरकार के विरुद्ध जनता न्यायालय में अपील कर सकती है। बहुत अच्छा, बैठ जाए सरकार के विरुद्ध जनता न्यायालय में अपील कर सकती है। सरकार के कोई दो प्रकार बताइए, आप बताइए। सरकार की दो प्रकार, सकारात्मक और संघात्मक। बहुत अच्छा, बैठे मैं आपको कुछ प्रश्न करूंगी। अब हम लोग उचित मिलान बताएंगे। ठीक है,
मुख्यमंत्री उनमें से किससे जो है संबंधित है? जनता का शासन, सरकार, राज्य स्तर, केंद्र स्तर या स्थानीय? केंद्र स्तर। आप बताइए किस स्तर? राज्य स्तर। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री किससे रिलेटेड है? राज्य स्तर। राज्य स्तर से। प्रधानमंत्री किससे संबंधित है? केंद्र स्तर। प्रधानमंत्री केंद्र ग्राम प्रधान किससे संबंधित है? स्थानीय स्तर से। स्थानीय स्तर। लोकतंत्र जनता का शासन। जनता का शासन। जनता का शासन। कानून निर्माण सरकार करती है। कानून निर्माण कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, अब आप लोग ये जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए। स्थानीय स्तर सबसे पहले तो इन तीनों में कार्य करने वाले दो